साल 2020 अब खत्म होने ही वाला है और नया साल आने वाला है। अक्सर लोग पहली जनवरी को घूमने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार जब आप 1 जनवरी को घूमने के लिए बाहर जा रहे हो और रास्ते में आपको टोल प्लाजा मिल रहा हो तो सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि 31 दिसंबर से टोल में नियम बदलने वाले हैं। 31 दिसंबर 2020 से टोल प्लाजा नकद लेन देन बंद, सिर्फ फास्टैग वाले वाहन पार कर पाएंगे टोल। दरअसल 31 दिसंबर से टोल प्लाजा पर नकद लेन देन पूरी तरह से बंद किया जा रहा है और सिर्फ फास्टैग वाले वाहन ही टोल को पार कर पाएंगे। अगले साल पहली जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो वाहन चालकों को भी भारी मुसीबत हो सकती है। टोल में अगर परेशानी से बचना है तो आप भी जल्द से जल्द फास्टैग अपने वाहन पर जरूर लगवा लें। आखिर फास्टैग है क्या और कैसे काम करता है, आपको बताते हैं। क्या है फास्टैग, कैसे करता है काम? फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की तकनीक है जिस पर रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान टैग है जो गाड़ियों के आगे वाले शीशे पर लगा होता है, ताकि टोल प्लाजा से गुजरने पर वहां लगा सेंसर इसे रीड कर सके। जब फास्टैग की मौजूदगी वाला वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल टैक्स फास्टैग से जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से खुद ही कट जाता है। कहां से खरीदे फास्टैग? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार फास्टैग ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम पर भी उपलब्ध है, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप फास्टैग को बैंक और पेट्रोल पंप से भी खरीद सकते हैं। बैंक से फास्टैग खरीदते समय आप ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक से आप फास्टैग को खरीदें। कितने में मिलेगा फास्टैग? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप फास्टैग को किसी भी बैंक से 200 रुपए में खरीद सकते हैं। वहीं आप फास्टैग को कम से कम 100 रुपए से रिचार्ज करा सकते हैं। सरकार ने बैंक और पेमेंट वॉलेट को रिचार्ज पर अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त चार्ज लगाने की भी छूट दी हुई है। फास्टैग के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? फास्टैग खरीदने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की एक फोटोकॉपी और अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वहीं आप फोटो आईडी के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय देश के 80% टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा है, जिसे सरकार दिसंबर के अंत तक 100% करना चाहती है। ऐसे में यदि आपने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया तो आपको हाईवे पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार की इस पहल पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।